दर्द के साथ आ रहे हैं, पेशाब दर्द के साथ आ रहा है और जल के साथ आ, जलन के साथ आता है। अब आपने उसका अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने उसका अपना जो यूरिन आरी रूटीन एग्जामिनेशन करवाया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई वैसे फंक्शनल प्रॉब्लम है, कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, कोई फंक्शनल प्रॉब्लम है। अब ये सो रहा है, समझना भी है सारा। अच्छा, अगर एक एक पेशेंट है, वो कहता है जी मुझे पेशाब दर्द के साथ आता है और जलन के साथ आता है, लेकिन अगर आपने उसकी पैथोलॉजी करवाई है, आपने उसकी लैब टेस्ट करवाया, उसमें प्रोटीन आ रही है, उसके अंदर कोई एसिडिक रिएक्शन है, उसके अंदर पीएच वैल्यू उसकी ज्यादा है, उसके अंदर कोई अल्कलाइन है, उसके अंदर प्रोटीन आ रही है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, इट मीन्स कि नाउ द पेशेंट इज साइकोटिक। अब ये साइकोटिक मेजम के अंदर आ गया हो। अगर एक मरीज आपके पास आता है, वो कहता है मुझे पेशाब जलन के साथ आ रहा है और दर्द के साथ आ रहा है, लेकिन जब आपने अल्ट्रासाउंड करवाया और उसमें पता लगा कि ये तो इसके अंदर मियाजमेटिक चेंजेस आ गई है, इसके अंदर निफ्रेटिक सिंड्रोम डेवलप हो गया है, इसके अंदर नेफ्रॉन्स डैमेज हो गए हैं, अब ये जो है ना जा रहा है डायलिसिस के अंदर जा रहा है, इसके अंदर किडनी डैमेज हो गया है, तो फिर अब ये सिफिलेटिक मियाजम है। अगर सादा अलामते दो ही है जो लेके आया है, अलामते दो ही है लेके आया, अगर आपने पैथोलॉजी टेस्ट में उसमें कुछ नजर नहीं आया तो फिर सो रहा है, अगर पैथोलॉजी टेस्ट में नजर आ गया कोई चीज तो फिर ये साइकोटिक है, और अगर उसके अंदर डिस्ट्रक्शन नजर आ रही है, मतलब आपने अल्ट्रासाउंड कराया वो पता लगा कि गुर्दे तो खत्म हो चुके हैं और उसमें पैरेन्काइमल चेंजेस आ गई है, या गुर्दा जो सिकुड़ गया हुआ है, या गुर्दा फैल गया हुआ है, या गुर्दा अपनी पोजीशन तब्दील कर गया, इट मीन्स कि डिस्ट्रक्शन का अमल शुरू हो गया, अब ये सिफिलेटिक मियाजम है। तो जो जो मरीज रीनल फेलियर की तरफ चले गए हैं और वो डायलिसिस की तरफ चले गए हैं, तो आप उनकी दवाई नोट कर लें, तीन मेजर दवाइयां हैं, जो बंदे डायलिसिस की तरफ गए हैं उनकी तीन मेजर दवाइयां हैं, एक ओपीएम है, 1 एम के अंदर ये मरीज को डायलिसिस से वापस रिवर्ट बैक कर सकती है, ओपीएम इज द रेमेडी, 1 एम दैट हैज दी एबिलिटी एंड द प्रॉपर्टीज टू रिवर्ट बैक दैट पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम दी रीनल फेलियर एंड दैट पेशेंट इज ऑन द डायलिसिस। सेकेंड रेमेडी इज ये जो सिफलिनम, सिफलिनम सीएम में आप उसको दे लें, तो उससे क्या होता है, बाज का ये होता है कि उसके जो सेल्स हैं वो डैमेज होने का अमल रुक जाता है, और वो जो डायलिसिस एक हफ्ते में 2 दफा या 3 दफा करवा रहा होता है, वो उसकी जो रूटीन है वो एक हफ्ते में 1 दफा पे और बाज का फिर 1 महीने में 1 दफा पर आ जाती है। तो ये 2-3 ऐसी अद्वियात हैं जो कि आपके पेशेंट को, और सब पेशेंट्स को आपने, जो भी गुर्दे का मरीज है डायलिसिस के ऊपर है या नहीं है, उसको आपने जिंजी पर मदर टिंचर